हेलो एवरीवन, आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली और पंजाब दोनों से ही वैकेंसी आई है। दोनों स्कूलों से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, जहां पर पीआरटी, पीजीटी, हेडमिनिस्ट्रेस, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। कुछ पोस्ट जो हैं वो रेगुलर यानी परमानेंट रहने वाली हैं और कुछ पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर रहेंगी। तो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो कि स्कूल की मेन वेबसाइट पर जारी किया गया है विज्ञापन, वहां पर जाकर हम चेक करेंगे कैसे जो है एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को भेजना है। वो सारी बातें जो है मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो बिल्कुल अंत तक जो है वीडियो देखिएगा। देखिए, आर्मी पब्लिक स्कूल में हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों ही जो है स्टूडेंट जो है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। एग्जाम नहीं होगा, बट यहाँ पर जो है आप लोगों का पढ़ाने का जो है वो बिल्कुल इंग्लिश मीडियम रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट, यहाँ से वैकेंसी आई है। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे तो वैकेंसी सेक्शन आपको यहां नजर आएगा, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो सबसे पहली जो पोस्ट है हेडमिस्ट्रेस की है, और ये बिल्कुल परमानेंट है, रेगुलर पोस्ट है। ठीक है, यहां आप देख सकते हैं नीचे अपॉइंटमेंट ऑन रेगुलर बेसिस। तो यहां पर मैं आप लोगों को हेडमिनिस्ट्रेस की जो पेमेंट है आर्मी पब्लिक स्कूल में 35,000 जो है यहां पर सैलरी मिलती है, और ये रेगुलर है, परमानेंट पोस्ट है। यहां पर जो है क्या मांगा गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस से, लेकिन 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। साथ में जो है आप लोगों के पास बीएड होना चाहिए, या फिर एमएड, या बीएलएड, या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके साथ में हेड मिनिस्ट्रेस की पोस्ट जो है वो अच्छी पोस्ट होती है, तो यहाँ पर 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो मांगा गया है, एटलीस्ट 5 साल का तो पीआरटी में प्राइमरी टीचर्स के लिए जो है सीबीएसई स्कूल में पढ़ाने का आपके पास होना चाहिए। मैक्सिमम जो है वो 55 साल, यहाँ पर अधिकतम 55 साल जो है उम्र यहाँ कही गई है। उसके बाद जो है सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो है आप लोगों ने क्वालिफाई किया हो, आपके पास जो है बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए। ये जो पोस्ट है बिल्कुल रेगुलर है, परमानेंट पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है बेस्ड होगा आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, मेरिट एंड अदर क्राइटेरिया, इसके आधार पर जो है शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा कैंडिडेट को। उसके बाद जो है मैनेजमेंट जो टीम है उसके द्वारा आप लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा या फिर ईमेल आएगा, और देन आप लोगों का सिलेक्शन होगा। पेमेंट और जो अलाउंस, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, 35,000 जो है यहाँ हेडमिनिस्ट्रेस की जो है सैलरी रहती है। नेक्स्ट, आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट से जो वैकेंसी है रेगुलर पोस्ट है वाइस प्रिंसिपल की, तो ये वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट भी जो है वो परमानेंट रहने वाली है। यहाँ पर जो है मास्टर डिग्री के साथ में बीएड होना चाहिए, और साथ में आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस भी जो है होना चाहिए, टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस नॉट लेस देन 9 ईयर, 9 साल से कम का तो नहीं। मिनिमम एज जो है 35 साल है, और अधिकतम जो है वो 55 साल है। कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, और ये भी जो पोस्ट है ये परमानेंट है, रेगुलर है। सिलेक्शन प्रोसेस जैसे हेडमिनिस्ट्रेस के लिए रहेगा, वैसे ही जो है वाइस प्रिंसिपल के लिए रहने वाला है। तो ये दो पोस्ट जो कि परमानेंट है आर्मी पब्लिक स्कूल कैंट से आई है। नेक्स्ट, जो आर्मी पब्लिक स्कूल पंजाब से जो वैकेंसी आई है पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, वो अभी हम जो है बिल्कुल चेक करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, सबसे नीचे दोनों ही पोस्ट के लिए सबसे नीचे जो है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया है, इसे आप लोगों को फिल करना है। फिल करके जो है आप लोग 500 रुपये का जो है डिमांड ड्राफ्ट तैयार करेंगे, और उसके बाद स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट जो है आप लोगों को करनी होगी। ठीक है, और स्कूल के नाम दिल्ली पब्लिक आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट, ठीक है, आप लोगों को सेंड करना होगा। यहाँ पर लास्ट डेट जो है वो 14 नवंबर 2023 है। अगर आप जो है नज़दीक रहते हैं, दिल्ली के ही जो है कैंडिडेट हैं, तो आप स्कूल में जाकर जो है 500 रुपये और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा भर के, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनके साथ में जो है 500 रुपये के साथ वहाँ पर जाकर सबमिट भी करवा सकते हैं। तो ये हमने आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट कि जो वैकेंसी है इसकी हमने बात की। दूसरा जो स्कूल है,
जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल कपूरथला पंजाब में है, और इसका वीडियो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। जिन स्टूडेंट का छूट गया है, जिन्होंने नहीं देख पाया है, तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग जो हैं अच्छे से जो है वो बिल्कुल देख सकते हैं कि पीजीटी इकोनॉमिक्स की वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट आपने किया हो इकोनॉमिक्स में, साथ में बीएड होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। प्राइमरी टीचर्स के लिए यहाँ ग्रेजुएशन के साथ में 2 साल का जो है डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। डीलैड हो सकता है, बीटीसी, एसटीसी, या फिर आपने बीएड भी किया है तो भी आप जो है यहाँ पर एलिजिबल हैं। स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, तो ग्रेजुएशन के साथ में बीएड स्पेशल एजुकेशन में, या फिर अगर आपने बीएड जनरल से किया है और उसके साथ में 1 साल का डिप्लोमा है आपके पास स्पेशल एजुकेटर में एजुकेशन में, तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। हेड क्लर्क की जो पोस्ट है और अकाउंट क्लर्क की, तो यहाँ केवल एक्स सर्विस मैन जो टीचर्स हैं वही अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। 55 साल जो है अधिकतम उम्र यहाँ पर रखी गई है। वॉक इन इंटरव्यू के लिए जो है 4 नवंबर 2023 को 8 बजे से 12 बजे तक आप लोगों को पहुंचना होगा स्कूल में। और सैलरी आप सभी जानते हैं कि प्राइमरी टीचर्स की जो सैलरी है वो 21,750 और पीजीटी की जो सैलरी है वह 26,250 जो है मिलती है। ये जो वैकेंसी है वॉक इन इंटरव्यू सेशन 2023-24 आर्मी पब्लिक स्कूल कपूरथला पंजाब, तो यहाँ पर जो वैकेंसी है ये सभी जो है पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आई है, ठीक है। तो ये स्कूल का एड्रेस है आर्मी पब्लिक स्कूल कपूरथला, और 26 अक्टूबर 2023 को ये पब्लिश हुआ है। तो आप लोगों को इसकी मेन वेबसाइट पर आना है, करियर सेक्शन पर आना है, और उसके बाद एडवर्टीजमेंट आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। नीचे जो है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्मेट है, और उसके बाद जो है टीचिंग पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्मेट है। तो इसे आप जो है बिल्कुल डाउनलोड कर लेंगे, फिल कर लेंगे, और 4 नवंबर को स्कूल में समय पर पहुंच जाएंगे इंटरव्यू के लिए। एग्जाम नहीं होगा, केवल इंटरव्यू रहेगा, और इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन रहेगा। तो इस वीडियो में 2 वैकेंसी को मैंने कवर किया है, आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली की वैकेंसी और पंजाब की वैकेंसी। दिल्ली में जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाइस प्रिंसिपल की है तो बिल्कुल रेगुलर पोस्ट है, और पंजाब में कपूरथला में जो वैकेंसी आई है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है, ठीक है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल इन दोनों का लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोग आराम से एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड कर सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।